तो आज जितने भी हिंदू भाई है उन हिंदू भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर भगवान का दर्शन करने के लिए किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहली बात भगवान का दर्शन करें श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर इतनी ही आपके अंदर भक्ति है तो घर पे शुद्ध खाना बनाए देसी घी में। जी हाँ दोस्तों, हलवा पूड़ी खीर छेना आपको जो भी बनाना है आपके मर्जी के अनुसार, जो भी प्रसाद भगवान को भोग लगाना है, अरे घर पे बनाए यार, शुद्ध तैयार करें और वही चीज को, वही प्रसाद को भगवान के सामने भोग लगाए। और बाहर के जितने भी वस्तु हैं, चाहे लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है, रसगुल्ला है, साला उसमें क्या मिलाया हुआ है, नहीं मिलाया हुआ, कौन जानता है मेरे भाई। अभी पता चल रहा है ना, सब सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, ना जाने कितने जानवरों की चर्बी हमारे लड्डू और ना जाने छेना रसगुल्ला में मिलाया जाता है। तो बताए, गलत हो रहा है कि नहीं, अनर्थ हो रहा है कि नहीं भाई। बाजार की वस्तु पर आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं करें। भगवान पर इतना ही आप विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं आपके अंदर है, तो घर के बनाए हुए शुद्ध चीजों का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर मारें और सच्चे हिंदू ही शेयर करें। बाकी जितने भी लोकल हिंदू है जो शेयर नहीं करते, घर पे चूड़ी पहन के बैठे रहे। जय श्री राम।